गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त ने कहा 12 और 13 जनवरी को चंपा देवी पार्क में आयोजित दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में देखने को मिलेंगी सांस्कृतिक और साहित्यिक जुगलबंदी। उद्घाटन समारोह में पर्यटन मंत्री तो समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शिरकत। लोग ले सकेंगे मनोरंजन का लुत्फ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक द्विवेदी ने वरासत अभियान और स्वामित्व योजना की समीक्षा कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। कुछ राज्यों में तेजी से पांव पसार रही बीमारी बर्ड फ्लू को लेकर निदेशालय ने सूबे के सभी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को जारी किया अलर्ट। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा जिले में अभी तक कहीं भी बर्ड फ्लू के फैलने की नहीं हुई पुष्टि, पशुपालन विभाग बरत रही है सतर्कता। दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ लखनऊ की लोकगीत गायिका रंजना राजिता, स्वाति रिजवी, कथक नृत्यांगना माया व सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर भी मंच पर बिखेरेंगी अपना जलवा, दी अपनी सहमति। घूम फिर कर मैजिक वाहन से गेहूं और चावल चोरी करने वाले 5 अभियुक्तों को खजनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैजिक वाहन के साथ 79 बोरी गेहूं व चावल किया बरामद। सीएमओ कार्यालय में बन रहे कोल्ड चेन स्टोरेज पॉइंट का कमिश्नर ने किया निरीक्षण, कहा वैक्सीन रखने के जिले में है पूरे इंतजाम, 10 से 15 जनवरी के बीच बनकर तैयार हो जाएगा भवन। चोरी की बाइक को बेचने की फिराक में लगे 2 अभियुक्तों को खजनी पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाइक बरामद भेजा जेल। एसपी साउथ विपिन कुमार श्रीवास्तव ने दी जानकारी। जिला अस्पताल में ARV लगवाने के नाम पर ले लिए 200 रुपए, हंगामा करने पर आरोपित हुआ फरार। मरीज के परिजनों ने सीएमओ और SIC से की शिकायत, 5 दिन से खत्म है ARV, परेशान हो रहे मरीज। महानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारीपुर में सफेदी करने के लिए घोले गए चूने में काम करने के दौरान दुर्घटनावश गिरने से झुलसा एक मजदूर, जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में कराया गया भर्ती, चल रहा है इलाज। गोरखपुर में बुधवार को मिले 23 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,171। अब तक 347 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 292 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। रेलवे स्टेशन स्थित हिंदू भवन में संपन्न हुई हिंदू युवा वाहिनी IT सेल महानगर की बैठक, महानगर संयोजक ने कहा शासन की योजनाओं को जन जन तक है पहुँचाना प्रथम प्राथमिकता। गोरखपुर निवासी पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किया पत्रकार वार्ता, कहा 26 जनवरी को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने का है लक्ष्य, जनता से मदद करने के लिए आगे आने की अपील। स्कॉन मंदिर गोरखपुर की तरफ से काली मंदिर गोलघर से निकाली गई संकीर्तन शोभा यात्रा, मंदिर के सदस्य योगेश्वर दास ने कहा भगवान की भक्ति के बिना इस संसार में नहीं है कोई लाभ। और महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति किया जागरूक, कहा घर से निकले बाहर तो अवश्य लगाएं मास्क।